Now, I am going to shed some light on research and multiple role relationships. Dependent relationships are characterized by a disparity in power and status between the researcher and research participants that compromises the ability of participant to provide free consent to participate or withdraw from a project they are already participating in. Sometimes, our research ke jo participants are in this situation, mein hote hai, कि वो अपनी फ्री विल से ये चूज नहीं कर सकते कि वो किसी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इज गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन स्टूडेंट्स क्लास रूम बिहेवियर और वो अपने ही क्लास रूम के स्टूडेंट्स को कहता है कि ये आपकी असाइनमेंट है कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस रिसर्च फॉर अ थ्री मंथ्स टाइम पीरियड तो वो उसको uh, ना नहीं कर सकते दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट रिसर्च बिकॉज क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उनको ये असाइनमेंट दी है और उनके बिहेवियर्स को भी वो स्टडी कर रहा है तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो उससे विड्रॉ नहीं कर पाते मल्टीपल एथिकल ऑप्लिगे अराइज वैन द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो करंट और प्रीवियस क्लाइंट्स ऑफ द रिसर्चर अब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो अपनी रिसर्च कर रहा है और साथ साथ वो अपनी रिसर्च के अंदर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एज पार्टिसिपेंट्स यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर जो प्रीवियस या करंट क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी अपने आप को विद्रॉ करना उस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बहुत डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग हो जाता है बहुत सारे न्यूरोसाइकोलॉजी की रिसर्च में हमने देखा है कि कोई नई हर्बल मेडिसिन आती हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो उसको ट्राई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर जो आ, डिफरेंट तरह की एलिमेंट्स का शिकार होते हैं जैसे प्रॉबेबली वो पार्किंसन का शिकार हैं या वो डिमेंशिया का शिकार हैं उन पर वो हर्बल मेडिसिन भी टेस्ट की जाती हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में देखने के लिए कि क्या इसके कोई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं और वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिकॉज दे आर बींग द क्लाइंट्स वो उसको हाँ या ना नहीं कह सकते दे हैव टू टेक दैम हाव एवर देर पार्टिसिपेशन को जियोपोडाइज द थेरापूटिक सर्विस इज रेंडर्ड लेकिन इस तरह से किसी भी क्लाइंट को अपनी रिसर्च में जब आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेते हैं तो वो आपकी जो थेरापूटिक प्रैक्टिस है उसको बेसिकली डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि ये एक इतनी अच्छी बात नहीं समझी जाती प्रॉब्लम्स टिपिकली अराइजमेंट पार्टिसिपेंट दैट इज स्टूडेंट और क्लाइंट फील और टू पार्टिसिपेट और नॉट टू विड और आर लाइकली टू हैव अ रीजनेबल बिलीव दैट माइट एक्सपीरियंस डिस बेनिफिट इवन इफ द रिलेटिवली माइनर बाय डिक्लाइंट टू पार्टिसिपेट और बाय विदड्रॉ ये सिचुएशन उस बहुत इंटेंस हो जाती है जब एक स्टूडेंट या एक क्लाइंट जिसको ये लगता है कि इस रिसर्च से उसको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा लेकिन वो अगर इसमें पार्टिसिपेशन के लिए मना करेगा तो उसको बहुत नुकसान होगा कि उसका टीचर या उसका थेरेपिस्ट उससे नाराज हो जाएगा तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है इसी तरह थेरेपिस्ट और क्लाइंट की बात की वहां पे भी डिफरेंट रोल्स एंड रिलेशनशिप आ जाते हैं तो डिपेंडेंट रिलेशनशिप और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं जब हम वर्नर ग्रुप्स की बात करते हैं रिसर्चर शुड इंश्योर दैट अप्रोप्रियट कंसेंट आर ऑबटेन फ्रॉम एनी गेट कीपर्स टू पार्टिसिपेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्कूल प्रिंसिपल पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस यानी हमें हर एक इंडिविजुअल जो किसी रिसर्च में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक है और वो इस रिसर्च का हिस्सा है हमें उन सब से उनके इंफॉर्म कंसेंट उनकी परमिशन हमें लेनी चाहिए ये सोचे बगैर कि उनका अहदा या उनकी पोजीशन हमारी इस रिसर्च में बहुत छोटी है देन डिपेंडेंट रिलेशन शुड शुड बी definitely very very impactful when working with vulnerable groups now uh, to avoid further unethical problems and current and previous clients should not be included into research unless needed benefits are likely or not otherwise available हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को उस वक्त अपनी रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं जब हमें ये यकीन हो कि इनके अलावा और कोई पॉपुलेशन हमें अवेलेबल नहीं है और ये रिसर्च बहुत ही ज़्यादा हाई बेनिफिट क्रिएट करेगी और हमें इसे किसी भी सूरत में नहीं रोकना या नहीं बंद करना और अन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीन फॉर दिस रिसर्च तो वहां पर क्लाइंट्स के ऊपर कोई रिसर्च एथिकल गाइडलाइंस को सामने रखते हुए की जा सकती है इवन हेयर केयर शुड बी टेकन टू प्रेजेंट सिंसियर अपॉर्चुनिटी टू डिक्लाइन द पार्टिसिपेशन इन रिसर्च अगर इवन आपका क्लाइंट आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है स्टिल उसके पास ये राइट या ये प्रिविलेज होनी चाहिए कि वो जहाँ पे चाहे उस रिसर्च से विड्रॉ करने के लिए कह सकता है स्पेशल सेफ गार्ड सच एज पार्टिसिपेंट एडवोकेट शुड बी इंट्रोड्यूस द पावर डिफरेंशियल बिटवीन द रिसर्चर एंड द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स इज स्पेशली लार्ज ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये एक रिलेशनशिप डिवेलप हो रहा है कि एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट जो है वो एक रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पर एक एडवोकेट होना चाहिए जो कि पार्टिसिपेंट uh, के राइट्स को सपोर्ट कर रहा हो कि किसी सिचुएशन में अगर वो विद्रॉ करना चाह रहा है तो उसको प्रॉपर लीगल सपोर्ट मिल सकती है और उसका जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट है वो उसको कभी भी किसी भी पोजिशन के ऊपर डिस्टर्ब uh, नहीं कर सकता उसके ट्रीटमेंट को रोक नहीं सकता या उसको और किसी भी साइकोलॉजिकल तरीके से डैमेज या हार्म नहीं कर सकता सो मल्टीपल रोल्स की जब हम बात करते हैं रिसर्च में तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये रोल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उनकी वजह से किसी की भी पोटेंशियल, डिग्निटी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए और ये रोल्स जो तो हैं बहुत एथिकल मैनर्स के अंदर प्रोसीड होने चाहिए